Good morning, students. This video session is for class 2nd students, subject mathematics, chapter number 2, addition. This is our summary lecture number 1. Yes, beta, हमारा addition वाला chapter complete हो चुका है, तो आज मैम ने आपके लिए एक summary lecture तैयार किया है, जिसमें मैं आपको सारी multiple choice questions, जो short answer type questions होते हैं, उनके बारे में बताएंगे, okay? Today's topics are number 1 multiple choice questions. इसमें बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके चार ऑप्शन होंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसका बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ओके एंड इन सेकेंड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपने ये बताना है कि वो स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है दैट इज ट्रू और फॉल्स. ओके एंड इन थर्ड राइट द मिसिंग नंबर्स. ठीक है, जो भी आपको दिया होगा उसके अंदर जहां पर भी मिसिंग नंबर है आपने उसे फिल करना है, उसे राइट करना है वहां. एंड द लास्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट. यस बेटा, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर वी गेट डैश नंबर. तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? व्हेन मतलब जब, वी मतलब हम, ऐड करते हैं जीरो को टू एनी नंबर, किसी भी नंबर में वी गेट, हमें मिलता है डैश नंबर. तो हमें क्या नंबर मिलता है बेटा? तो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. इन ऑप्शन ए इट इज गिवन जीरो, इन ऑप्शन बी सेम नंबर, इन ऑप्शन सी वन, एंड इन ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. तो बेटा जब हमने जीरो ऐड किया किसी भी नंबर में, ठीक है, सपोज करो कि हम जीरो ऐड कर रहे हैं थ्री में, सो थ्री प्लस जीरो इज वी विल गेट द सेम नंबर दैट इज थ्री. फाइव प्लस जीरो वी विल गेट द सेम नंबर फाइव. तो इट मींस व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर. सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो वी विल राइट ऑप्शन बी सेम नंबर. ओके Now in question number 2, when we add 1 to any number, अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर में, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? Let's see the options. In option A, 0. In option B, same number. In option C, 1. In option D, next number. तो बेटा अब हम ऐड करके देखते हैं. जैसे सपोज करो हमने ऐड किया 2 plus 1. तो जब हमने 2 में 1 ऐड किया तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा? That is 3. जो हमारा 2 का नेक्स्ट नंबर है. ऐसे ही मैम ने 9 में अगर 1 ऐड किया तो मैम को क्या मिलेगा? 10, है ना? तो 9 का नेक्स्ट नंबर दैट इज 10. इट मींस व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर. सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, इन एडिशन सम्स, एडिशन सम्स में द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड डैश. जो नंबर्स हम ऐड करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं बेटा? ठीक है, लेट्स सी ऑप्शंस. एडिशन बुलाते हैं, टोटल, एडेंड्स या सम. मैम ने आपको पहले भी बताया था बेटा कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स को हम एडेंड्स बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? एडेंड्स. तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एडेंड्स. Understood? Yes, beta. Now, in question number 4, it is given if we add 56 and 4, then the total is dash. If we add 56 and 4, so we have to add 56 and 4. So, beta, first keep 56 in your mind and 4 on your fingers. So after 56 we have to count 4 numbers. So let's start counting 57, 58, 59 and 60, and now our answer is 60. Okay, let's see beta. In option A it is given 56, in option B 58, in option C 59 and in option D 60, and our answer is 60. So which option is correct? That is option D, 60. Understood beta? Now in question number 5, it is given after adding the numbers,
आफ्टर एडिंग द नंबर्स, जो नंबर्स हमें गिवन होते हैं उन्हें ऐड करने के बाद द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डैश. जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या बुलाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. हियर इन ऑप्शन ए एडिशन, बी टोटल, सी एडेंड्स एंड डी नंबर्स. सो बेटा व्हेन वी एड द नंबर्स एंड वी गेट द रिजल्ट दैट इज कॉल्ड द टोटल. ओके सो आर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टोटल. Now in question number 6, which number is nearest 200? So what is its meaning? Ki wo kaun sa number hai jo 100 ke nearest hai. Okay, so let's see what are the options. Here in option A, 98, in option B, 94, in option C, 90, and in option D, 91. So beta, if we speak counting from 90 to 100, okay, which number is nearest to 100? कौन सा नंबर 100 के सबसे पास है? So let's start counting. Okay, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So which number we have spoken nearest to 200 beta? That is 98. So our option A is correct. Now in question number 7, it is given 4 tenths is equal to dash. 4 tenths beta. I told you earlier that when we want to know the meaning of this, we have to multiply. Okay. So here we multiply 4 by 10 to get the answer. Okay. That is 4 tenths are 40. So let's see what are the options. In option A, 4, B, 40, C, 400 and D, 10th. And this is the place. Okay. So our option B is correct here. That is 40. Now in option, in question number 8, 10 tenths. Same question is there. 10 tenths means we have to multiply 10 by 10. So 10 tenths are 100. Okay. And in option A, 10, B, 1, C, 100 and D, 10th. So our option C, 100 is correct. Okay. Now in question number 9, there are 5 girls and 3 boys in a row. Ek row mein, row kya hoti hai beta? Pankti. Ek row mein, 5 girls or 3 boys hain. How many means kitne? Total students are there in a row. उस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? सो वी हैव टू काउंट 5 एंड 3. ओके सो कीप 5 इन योर माइंड एंड 3 ऑन योर फिंगर्स. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 5, 6, 7, 8. सो लेट्स सी वेयर इज आवर आंसर. दैट इज इन डी पार्ट. ओके 8 स्टूडेंट्स. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी 8. Now, write true or false. So, true means sahi and false means galat. Okay, we have to beta read the statement carefully, solve them and then find out which statement is true or which statement is false. So, here in question number 1, it is given 5 plus 6 is equal to 12. So, let's see. Keep 5 in your mind and 6 on your fingers. So after 5, we have to speak 6 numbers. Let's start counting. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So beta, our answer should be 11. Hamara answer kya hona chahiye tha? 11. But he said that is 12. So our statement is false. So we will write F-A-L-C-S-E, false. Now in question number 2, 9 plus 8 is equal to 10 plus 9. You can do it by two ways. You can add it, keep 9 in your mind and 8 on your fingers. So after 9, you have to count 8 numbers. So let's start counting 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So our answer is 17. Okay, let's start this side. 10 plus 9.
and 10 plus 9 is 19. So 17 is not equal to 19. Okay, so this statement is false. Okay, and you can see this is a change of order also. Here 9 is given, here also 9 is given. So it should be 8 here, hai na? Yahan par 8 hona chahiye tha, but it is given 10. So our statement is false. Now in question number 3, 2 plus 7 plus 4 is equal to 4 plus 7 plus 2 is equal to 7 plus 2 plus 4. You can see beta, we have same numbers, hai na? And when two or more numbers are same in addition, we will get the same answer. Okay, so our answer is correct. So we will write true. Now in question number 4, two or more numbers can be added in any order. Result should be same. इसका क्या मतलब है? अगर हम दो या दो से ज्यादा numbers को add करें किसी भी order में, result should be same. तो उसका result same आता है. And that is true. We have seen it here. Okay. So this statement is true. Now in number 5, when we add 0 to any number, we get next number. So what does it mean, beta? कि जब हम 0 add करते हैं किसी number में, तो हमें next number मिलता है. And that is false. Because when we add 0 to any number, we will get the same number, not next number. Understood? Now, write the missing number. Here, beta, it is given 70 plus dash is equal to 74. Means, what we should have to add in 70 to get 74. Hum 70 mein kya number add kare ki hamara answer 74 aa jaye. So, keep 70 in your mind. Okay. Now, we have to speak counting up to 74. Okay. And we have to open our fingers. हमें अपनी fingers open करनी है. So keep 70 in your mind. After 70, start counting. 71, 72, 73, 74. So how many fingers we have opened, beta? That is 4. So our answer is 4. Now, in B part, 12 plus 8. So keep 12 in your mind and 8 on your fingers. So let's start counting after 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So our answer is 2020. Now in C part, 90 plus dash is equal to 100. So again, we have to keep 90 in our mind. Okay. And start counting up to 100. And open your fingers. Okay. So after 90, start counting. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So how many fingers you have opened? That is 10. Okay. So 90 plus 10 is equal to 100. Now in D part, 100 plus 100 plus 100. So we count it by hundreds place. Okay. So 100 plus 100, 200, 200 plus 100, 300. So our answer is 300. Okay. Now in E part, 20 plus 20 plus 20 plus 20. Beta, you can see all numbers are two digit number. And here at ones place, it is given 0. Okay. So our ones place is 0. Now we will count tens place only. 2 plus 2. So that is 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. Okay. And 8. Or 8 ke piche hum kya lagayenge? 0. So that is 8080. Now in F part, 10 plus dash is equal to 5 plus 10. So it is beta, change of order. You can see here it is given 5 plus 10, two numbers. And here the 10, same number. Okay. So what we will write here, that is 5. Understood beta?
Now, fill in the blanks. In A part, the dash is the sign of addition. आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि हमारा एडिशन का क्या साइन है, दैट इज प्लस, ये वाला प्लस का साइन, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन बना देंगे. नाउ इन बी पार्ट 29 प्लस 0 इज इक्वल टू डैश, दैट इज द सेम नंबर 29. नाउ इन सी पार्ट 9 प्लस 1 वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 10. In D part, 19 plus 1, again 19 plus 1 is 20. हम next number मिलेगा, हमें 19 का next number क्या होता है, 20. Now in E part, 99 plus 4, so keep 99 in your mind and open your four fingers. 100, 101, 102, 103, so our answer is 103. Now in F part, 5 plus 3 is equal to dash plus 5. So this is again change of order. Yes, so we will write here 3. जो number हमें नहीं दिया होता change of order में बेटा, वही number हम लिख देते हैं. एक तरफ हमें दो numbers दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें single number दिया है. तो 5 तो यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और 3 यहाँ दिया हुआ था, यहाँ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया. ओके, सो टुडेज होमवर्क, Do assignment number 1 of chapter 2 addition given on EdQuark website. तो बेटा अब हमारा chapter complete हो चुका है. मैम ने आपके लिए summary lecture number 1 बना दिया है. एक मैम summary lecture number 2 भी बना रही है आपके लिए. और दो मैम ने assignments बनाए हैं. उसके बाद आपका Saturday को इसका test होगा. तो आपने side by side इसकी preparation करनी है. Understood बेटा? और वहां वेबसाइट पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वहां पर आपने वहां से लेकर पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है. ओके, नाउ होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 12. आई हैड गिवन यू सम्स, सो लेट्स डू सम्स. हियर इन क्वेश्चन नंबर 1 एट 356, 470 एंड 100. सो फर्स्ट वी विल राइट प्लेसेस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. Then 356, 470 and 100. Now we have to add. So we will start from our ones place. Here at ones place we have 6 and 0. So 6 plus 0 is same number 6. Tens place 5 plus 7. Keep 5 in your mind, 7 on your fingers. So let's start counting after 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we will write 2 here and 1 will be carryable. Now here, keep 3 in your mind, 4 on your fingers. So after 3, we have to count 4 numbers. Yes, 4, 5, 6, 7. Now keep 7 in your mind and 1 on your fingers. So 7 plus 1, 8. And 8 plus 1, 9. Carry digit ko hume nahi bhulna hai. Okay, bida? So our answer is 926. Now in question number 2, at 450, 129 and 308. So first we will write places, ones, tens and hundreds, then 450, 129 and 308. So again we will start from our ones place. Here 9 plus 8, keep 9 in your mind, 8 on your fingers. So after 9 we have to count 8 numbers, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So we will write 7 here and 1 will be carryover. Now keep 5 in your mind, 2 on your fingers. Yes, 6, 7. Now keep 7 in your mind, 1 on your finger. That is 8. Now here at hundreds place, 4 plus 1, 5. And 5 plus 3, keep 5 in your mind, 3 on your fingers. 6, 7, 8. So we will write 8 here. So our answer is 887. Now in question number 3, 789, 30 and 103. So first we will write places, then we will write 789. Now beta, 30 is 2 digit number. Okay, so first we will write 0 at 100 place and 30 jo hai hum tens or ones ke place pe likhenge is tarah se. Okay,
Now 103. Then we will add, start from our ones place. Keep 9 in your mind, 3 on your fingers. So after 9, we have to count 3 numbers. 10, 11, 12. So we will write 2 here and 1 will be carry over. Now keep 8 in your mind, 3 on your fingers. So after 8, we have to count 3 numbers. 9, 10, 11. So now keep 11 in your mind, 1 on your finger. That is 12. We will write 2 here and 1 will be carry over. So keep 7 in your mind, 1 on your finger. So 7 plus 1, 8. And 8 plus 1, 9. So our answer is 922. Now in question number 4, add 560, 209 and 146. So first we will write places. Then we will write 560, 209 and 146. Yes. Now we will start from our ones place. Keep 9 in your mind, 6 on your fingers. After 9, we have to count 6 numbers. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we will write 5 here and 1 will be carry over. Ones ka carry tens pe jata hai. Now keep 6 in your mind, 4 on your fingers. 7, 8, 9, 10. So 10 plus 1, add carry digit, that is 11. So we will write 1 here and 1 will be carry over. Now keep 5 in your mind, 2 on your fingers. So after 5, we have to count 2 numbers, 6, 7. So now keep 7 in your mind, 1 on your fingers. 7 plus 1, 8 and 8 plus 1, 9. So our answer is 915. Understood, beta? So we have done it. Thank you.